तो देखो गाइस, ये शाम के टाइम है तो कबूतर अभी भी अकेला उड़ रहे हैं। देखो गाइस, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस। तो देखते इसको पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे कबूतर है गाइस। देखो वो जा रहा है कबूतर इस साइड पे। तो देखो को कितना शाम हो गया गाइस, उसके बाद भी कबूतर अकेला ही उड़ रहा है। देखो ये देखो कबूतर। तो देखते ये नीचे आते कि नहीं। मैं कबूतर को देखो, सारे कबूतर को छोड़ा रखा हूँ और दाना पानी भी दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो देखते देखो इस साइड पर जा रहे हैं। तो मेरे कबूतर को थोड़ा उछालते हैं। देखो गाइस, मेरा कबूतर को उछाल दिया तो इधर पर आ रहा है। देखो गाइस, ये कबूतर कितना बेहतरीन कबूतर है। देखो अच्छा उड़ान है। तो मेरे कबूतर को उछालते। तो देखो गाइस, बहुत देर उड़ने के बाद कबूतर आके फाइनली देखो आए। तो देखो गाइस, ये नीचे आ रहा है कबूतर। ये बहुत ही अच्छा कबूतर है गाइस। देखो ये योला इसका नर है, कबूतर नर कबूतर। तो देखो गाइस, ये नीचे आया तो ये हरा कबूतर। तो इसको पकड़ने का ट्राई करते हैं गाइस। तो दाना देते हैं। तो देखो गाइस, ये साइड साइड पे जा रहा है कबूतर। ये हरा कबूतर है तो इसको पास बुलाते हैं। आओ 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 आओ। देखो गाइस, आ रहा है कबूतर। बहुत ही उमदा कबूतर है गाइस। देखो ये योलो आइस का नर कबूतर है गाइस। तो देखते ये देखो नहीं आ रहा है साइड पे। तो बहुत ही सियाना कबूतर है गाइस। तो ये देखो आ रहा है कबूतर। थोड़ा गेहूँ लाना पड़ेगा गाइस, नहीं तो चावल। तो ये धान देख के नहीं आ रहा है कबूतर। इस मैं चावल ले लिया तो चावल देख के ये कबूतर आते कि नहीं। देखो साइड पे जा रहे हैं हरा कबूतर। तो देखते आते कि नहीं। देखो गाइस, मैंने चावल दे दिया तो देखते कबूतर आते कि नहीं। ये चावल खाना पसंद करती है कबूतर इस साइड का। तो देखते कबूतर आते कि नहीं गाइस। देखो मेरा सारे कबूतर खा रहे, वो भी खा रहे। देखो साइड पे खा रहे थोड़ा। तो गाइस, चावल देख के भी पास नहीं आया कबूतर। तो उसके लिए देखो गेहूँ लेके आया। तो गेहूँ देख के देखते हैं गाइस कबूतर आते कि नहीं। देखो ये जा रहे, भाग रहे कबूतर। तो देखो गाइस, गेहूँ दे दिया, कबूतर वहाँ पर है। तो देखते आते कि नहीं। देखो गाइस, ये बहुत ही सियाना कबूतर है गाइस। तो चलो अब बीच में आ गए गाइस, उसको पकड़ने की ट्राई करते हैं। तो देखो थोड़ा बीच में आया कबूतर, पकड़ लिया। तो जंगली टाइप का कबूतर है गाइस। देखो गाइस, मैंने पकड़ लिया फाइनली। तो बहुत ही अच्छा कबूतर है पकड़ने में। देखो इसका पर भी थोड़ा टूट गया, तो कोई बात नहीं। तो फाइनली पकड़ भी लिया। तो चलो इसका पर बांध देते और उसके बाद कबूतर के साथ छोड़ देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक है? आप लोगों का कबूतर भी ठीक हो गए, पेट्स वगैरह भी ठीक है? तो देखो गाइस, आज बहुत ही बढ़िया धूप निकला है तो सारे कबूतर को देखो छत पे छोड़ दिया। तो देखो गाइस, मैं सारे कबूतर को छत पे छोड़ दिया। आज बहुत ही बढ़िया धूप निकला है। देखो ऊपर बहुत ही बढ़िया धूप निकला है, तो सारे कबूतर को धूप देना भी जरूरी है। तो देखो मेरा कबूतर धूप भी ले रहा है सारे कबूतर। देखो और जो कबूतर अंडा और बच्चा है जिसके पास, वो लॉफ्ट के अंदर बंद है अभी। और सारे कबूतर देखो छत पे ही घूम रहे और धूप भी ले रहे हैं कबूतर। गाइस, वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। और जो भाई मेरा वीडियो को देखते लाइक करते वो सारे भाई को दिल से शुक्रिया। तो देखो गाइस, सारे कबूतर छत पे धूप ले रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। देखो ऊपर दो चार कबूतर बैठ गए, और देखो मेरा जितना भी कबूतर है सारे घूम रहे हैं। और देखो इधर जो चोटियाल जो जुरा लगाया था मैंने, देखो चोटियाल नर और चोटियाल मादी जो बीमारी में है, ठीक है गाइस, वो देखो वो कोने में आके पत्थर वगैरह खा रहे हैं गाइस। देखो वो बहुत ही ज़्यादा बीमारी है, लेकिन अभी तक मरा नहीं कबूतर, ठीक ठाक है। उसका नर देखो भाग गया। और इधर देखो वो जो छपका नर के साथ वो जाग मादी अपने आप ही जुरा ले लिया था गाइस, आप लोगों ने देखा था। तो देखो उसको वो पीछे पीछे भागाने लग गया। दो चार दिन हुआ जुरा लेने और अंडा देने के लिए, देखो पीछे पीछे भागाने लग गया कबूतर को। देखो गाइस, तो गाइस आज इतना बढ़िया धूप जो निकला है तो कबूतर को नहाने के लिए पानी दे देते हैं। तो कबूतर नहाने के बाद सूख भी जाएगा अच्छी तरह से धूप में। तो चलो कबूतर को नहाने के लिए पानी दे देते हैं फटक से। तो देखो गाइस, मैं हल्दी लेके आया, ठीक है गाइस। मैं हल्दी से कबूतर को नहाने के लिए पानी देता हूँ, हल्दी पानी। तो चलो इस हल्दी को थोड़ा इधर दे देते, इधर दे देते थोड़ा थोड़ा। और चलो ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा उठा लेते, ठीक है रखने दो। और पानी को ऑन कर देते गाइस। तो देखो गाइस, ये हल्दी पानी मैं देता हूँ कबूतर को नहाने के लिए। आप भी आप लोगों का कबूतर को हल्दी पानी देना, ठीक है गाइस, हल्दी के साथ। ये पानी से कबूतर का कीड़ा मकड़ा मर जाती है, कबूतर अच्छा भी रहते गाइस। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना पानी के साथ। तो देखो कबूतर रेडी हो रहे हैं नहाने के लिए। देखो आ रहे कबूतर। ये आ रहे कबूतर, सारे कबूतर आ गए देखो नहाने के लिए। और ये पानी खा ले तो अच्छा है, ठीक है गाइस, ये हल्दी पानी कोई ख़राब नहीं है। देखो सारे कबूतर आ रहे हैं और इधर कुछ कबूतर घूम रहे हैं। देखो एक कबूतर नीचे भी चला गया। देखो गाइस, कबूतर कैसे नहा रहे, तो पानी को ऑफ कर देते हैं अब। इतना पानी ना ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है गाइस। तो कबूतर घुस जाएगा तो पानी गिर जाएगा बाहर, तो इतना ही पानी रहने दो। तो देखो गाइस, मेरा कबूतर का नहाना देखो गाइस। तो देखो गाइस, वो बर्तन में जाके कितना कबूतर एक साथ घुस गया। देखो गाइस, सारे कबूतर कैसे नहा रहे। देखो
तो कबूतर का अच्छा लग रहा है, पानी थोड़ा ठंडा है, तो देखो सारे कबूतर जाके नहा रहे हैं आप आराम से। वो जो पट्टा कबूतर है वो भी नहा रहे। तो गाइस ऑलमोस्ट मेरा सारे कबूतर का देखो पीछे नहाना कंप्लीट हो गया, ठीक है, और कुछ कबूतर नहा रहे। तो आप लोगों को लॉप के अंदर जाके जो पकड़ा हुआ कबूतर है और जो कबूतर अंडे को बच्चे को गर्म करे और बच्चे को भी आप लोगों को दिखाते लॉप के अंदर जाके। तो चलो, तो देखो गाइस ऑलमोस्ट कुछ कबूतर का नहाना कंप्लीट हो गया, वो धूप भी ले रहे और दो चार कबूतर अभी भी नहा रहे देखो वो पानी में। तो आप लोगों को लॉप के अंदर जाके आप लोगों को दिखाते वो जो पकड़ा हुआ कबूतर और वो बच्चा। तो चलो गाइस आप लोगों को जाके दिखाते वो जो अंडे को गर्म कर रहे कबूतर। देखो इधर एक मादिन कबूतर, वो अंडे को गर्म कर रहे ठीक से, उसको नहीं छोड़ा बाहर, देखो ये अंडे को गर्म कर रहे। और इधर देखो वो मद्रासी जो मादी, वो भी अंडे को गर्म कर रहे ठीक ठाक है, देखो इसको भी बाहर नहीं छोड़ा। और इधर देखो एक वो कलसरा टाइप का नर, वो भी अंडे को गर्म कर रहे ठीक ठाक है। और इधर देखो दो बच्चा है, तो वो बच्चा भी ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ विंटर के सीज़न में इस बच्चे को ठीक ठाक ही। ये बच्चा भी ठीक ही है, देखो चुपके बैठा है कोने में। और इधर देखो गाइस वो जो पकड़ा हुआ कबूतर है उसको बाहर नहीं छोड़ा, वो बहुत ही छटपटा रहेगा इस, इसको देख कर डर लग रहा है, वो छत से अगर उड़ के चला जाए किसी दूसरे छत पे, तो इसको लॉफ्ट के अंदर ही बंद करके रखा मैंने। तो देखो गाइस इतना। तो गाइस इस विंटर के सीजन में अपने कबूतर के नहाने के बाद उसको थोड़ा सा काला दाना जरूर देना, ठीक है गाइस, उसका ठंडे पानी से नहाने के बाद उसका गा गर्म करने के लिए उसको काला दाना जरूर देना। तो ये देखो गाइस मैं काला दाना लेके आ गया और कबूतर भी देखो आ रहे हैं काला दाना खाने के लिए, तो चलो इसको दे देते हैं। तो देखो गाइस ये आ रहे कबूतर काला दाना खाने के लिए। तो इस टाइप पे कबूतर को नहाने के बाद काला दाना जरूर देना, ठीक है गाइस, उसका वो गर्म हो जाएगा कबूतर। तो देखो गाइस ये खा रहा है कबूतर काला दाना, सारे कबूतर आ गए काला दाना खाने। तो गाइस सारे कबूतर का धूप लेना कंप्लीट हो गया और ज्यादा देर तक कबूतर को धूप में नहीं रखूंगा, तो सारे कबूतर को फटक से लॉफ्ट के अंदर कर लेते हैं। तो देखो गाइस मेरे कबूतर का ट्रेनिंग देखो, ये मैंने लॉफ्ट के दरवाजे को खोल दिया, ठीक है गाइस। तो देखो इधर कबूतर घूम रहे हैं सारे कबूतर, तो कैसे लॉफ्ट के अंदर जाएगा देखो आप लोग। चलो गाइस देखो उठ 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 उठ, देखो गाइस जाएगा सारे कबूतर लॉफ्ट के अंदर। देखो गाइस ये जा रहे कबूतर लॉफ्ट के अंदर, देखो दो चार कबूतर जाके ऊपर बैठ गए, कोई बात नहीं वो फिर से नीचे आके ऊपर लॉफ्ट के अंदर चला जाएगा। तो देखो गाइस ये जा रहे लॉफ्ट के अंदर कबूतर। तो देखो गाइस अब तो एक भी कबूतर नहीं है, सारे कबूतर देखो लॉफ्ट के अंदर चले गए। आप लोगों को दिखाते देखो सारे कबूतर देखो लॉफ्ट के अंदर चले गए, कुछ कबूतर अपने अपने केज में भी चले गए और इधर देखो कुछ कबूतर खा रहे दाना पानी। तो चलो गाइस लॉफ्ट को बंद कर देते हैं और आज का वीडियो बस इतना ही।